देवी माँ के जो भक्त अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं उनके लिए पंचांग में अलग समय का विधान बताया गया है और नवमी को कन्या पूजन करने वालों के लिए अलग समय का विधान है। धार्मिक ग्रंथों में अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना श्रेष्ठ होगा इसकी अधिक जानकारी लोकल 18 को देते हुए हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि हिंदू धर्म में उदया तिथि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि किसी पर्व की शुरुआत दोपहर से होती है और वह अंग्रेजी कैलेंडर के अगले दिन तक उसका समय होता है तो उदया तिथि में ही उसको मनाने से सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। साल 2024 में नवरात्रों की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। इस बार नवमी युक्त दशमी का संयोग आ रहा है, इसको लेकर क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी सुनिए। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब की बार 3 अक्टूबर गुरुवार एवं हस्त नक्षत्र को प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। अब विशेष बात जो बताने की है, जब नवरात्रे जो पूर्ण होंगे दशमी तक का समय के तक, अब इसमें अष्टमी नवमी की बात को लेकर के हम कुछ बताना चाहते हैं। अष्टमी तिथि 11 तारीख को उदया तिथि के रूप में है और उस दिन अष्टमी तिथि लगभग 11 बजे तक होगी। इस समय में अष्टमी तिथि में जो कन्या पूजन एवं व्रत उपवास जो भी कर रहे हैं उसमें कन्याओं को का पूजन करें और अपने अष्टमी तिथि के कार्य को श्रद्धा भक्ति से संपन्न करें। तत्पश्चात उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है और यह अष्टमी विद्या नवमी भी है और अगले दिन 10:57 तक नवमी तिथि रहेगी और नवमी तिथि के दिन प्रातःकाल जो उदया तिथि जो है नवमी 12 तारीख को होगी और इसका समय 10:57 पर होगा। इस समय तक नवमी की पूजा करने वाले और कन्या पूजन करते हैं और तब तक सभी परिवार वाले व्रत भी रहते हैं तो उस समय तक कन्याओं का पूजन करें, उनको जो भी भोजन इत्यादि उनका चरण धोने हैं सब एक कार्य बड़े विधि विधान से करें और 10:57 तक का समय ऐसा कि इसमें ही सब कार्य को पूर्ण कर लेना है, इसी में ही पुण्य की प्राप्ति होगी। जो भी हमारे शास्त्रों में इसमें वेद शास्त्रों का समय या जो भी हमारे पंचांग के अनुसार समय है तो ये 10:57 तक है तो इस समय तक हर हालत में अपने कार्य को पूर्ण कर ले और संपूर्ण माँ भगवती के आशीर्वाद को प्राप्त करें।